राज्यसभा से सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। आप कहेंगे भाई साहब संसद शुरू हुई नहीं, उससे पहले ही ये बवाल हो गया। जिनको पता हो उनको मैं बता दूं कि भारत में संसद के अंदर 3 सत्र होते हैं, जैसे BMW कहा जाता है, गाड़ी नहीं है, सत्रों के नाम है, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। साथियों मानसून सेशन के दौरान मैंने आप लोगों को एक न्यूज पढ़ाई थी, शायद आपको वो याद हो। यह सत्र मैंने पढ़ाया हुआ है और आप देख सकते हैं कि यह मेरा अगस्त में पढ़ाया हुआ सत्र है, जिसमें सदन में रोने लगे उपराष्ट्रपति, अनिश्चित काल के लिए की गई स्थगित। अगर आपने याद किया हो तो यह ध्यान होना चाहिए। मानसून सेशन के दौरान पेगासस मामले पर राज्यसभा में जो हंगामा हुआ वो इस कदर था कि यहां पर जो मतलब वेंकैया नायडू हैं वो खुद जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं, ये खुद दुखी हो गए और उन्होंने इस व्यवहार के लिए कहा कि मैंने आज तक ऐसा व्यवहार सांसदों के द्वारा नहीं देखा। चूंकि इस घटना के तुरंत बाद राज्यसभा स्थगित कर दी गई थी, उसका रिसेंट सेशन अब विंटर सेशन शुरू होने जा रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर विंटर सेशन में जिन मतलब मानसून सेशन में जिन लोगों ने गड़बड़ की थी उनका इलाज क्या हुआ, ये जानना तो बनता है। तो बनने वाली बात यह है कि 12 ऐसे सांसद जिन्होंने राज्यसभा के दौरान जो हंगामा बरपाया था उन सांसदों को सस्पेंड करने की बात आ गई है और उन्हें मानसून सत्र के दौरान की गई अपनी घटनाओं के लिए पूरे विंटर सेशन से सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि ये 12 सांसद विंटर सेशन के दौरान अब संसद में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। ये घटना पहली बार हुई है। पहली बार कौन सी घटना हुई है कि किसी एक सत्र के लिए सभी को निलंबित कर दिया गया हो और वो जो पनिशमेंट मिला हो वो पुराने सत्र की परमिशन के उसके ऊपर मिला हो। मानसून सत्र के अंदर किए गए व्यवधान के लिए बजट सत्र, मानसून सत्र के अंदर किए गए व्यवधान के लिए विंटर सेशन से सांसदों को बहिष्कार कर दिया गया हो, सांसदों को निलंबित कर दिया गया हो। इसमें से कांग्रेस के 6 सांसद हैं, टीएमसी के डोला सेन और शांता छेत्री, शिवसेना के प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई, सीपीएम के एलाराम करीम और सीपीआई के विनोय विश्वम शामिल हैं। इन 12 लोगों को साथियों यहां पर निकाला गया है। ऐसी स्थिति में संसद, जब आपको याद होगा जब यहां पर संसद में यह सब चल रहा था, अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई थी, ये सारी की सारी वो बातें हैं जिनके दौरान संसद के बाहर पेगासस के मामले पर, पेट्रोल के मामले पर, किसान बिल के मामले पर सारी की सारी गतिविधियां संसद के दौरान चल रही थी। संसद के सत्र के दौरान फार्म बिल के चलते अभी जैसे ही संसद सत्र शुरू हुआ फार्म बिल को 4 घंटे के अंदर ही वापस ले लिया गया। ये सारी प्रक्रियाएं जो घटना उस समय हुई थी उसके नतीजतन अब जब शीतकालीन सत्र आया है उससे पहले की जो घटनाएं हैं मैंने वो आपको दिखा दी। उन दिनों वेंकैया नायडू ने अपने दर्द को साझा करते हुए कहा था कि मैं उस चीज से आहत हूं जिसमें लोकतंत्र को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। साथियों इस पूरी घटना के अंत में अब निर्णय क्या निकल के आया वो मैंने आपको बता दिया। ये तो हुआ सांसदों का बहिष्कार करने की बात, सांसदों को निलंबित करने की बात। अब सवाल यह बनता है क्या सर सांसदों को निलंबित किया जा सकता है और कहां लिखा हुआ है सांसदों को निलंबित करने की बात, यह भी बताइए। और क्या जिनको निलंबित कर दिया गया है उनका निलंबन रद्द किया जा सकता है? और एक बहुत बड़ा सवाल सर, निलंबन करने का मतलब क्या होता है? इन लोगों को यहां से निकाल दिया गया है, अब ये दोबारा नहीं बन पाएंगे क्या? नहीं, सांसद तो ये हैं, ये सत्र में आकर नहीं बैठ पाएंगे, यानी संसद नहीं आ पाएंगे। बोले अच्छी बात है। तो सर एक बात बताइए, राज्यसभा से किस आधार पर इन्हें निकाला गया? बहुत प्यारा सवाल बनता है, इसे लिख लीजिएगा क्योंकि अब ये न्यूज का हिस्सा हो चुका है। इसलिए ये घटना है जिसके चलते हुए मतलब इन सांसदों ने जो यहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे भी लड़ाई की थी। आप देखें यहां पर एक सांसद को देख सकते हैं आप, ये क्या क्या हिल रही है, अरे भैया देखें आप, मतलब ये सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ में हाथापाई चल रही है। देख रहे हैं आप इस फोटो को, देखें आप, ये सांसदों की फोटो है साहब, ये राज्यसभा के सांसद हैं जिन्होंने इस प्रकार के कार्य किए थे कि पूरा देश और इंक्लूडिंग उपराष्ट्रपति तक भी इस चीज से शर्मसार हो गए थे। साथियों बात है अपने रूल्स की, रूल नंबर 255 और 266। साथियों भारत की संसद के अंदर जो 3 चीजें काउंट की जाती हैं, भाई हमारी संसद अल्टीमेटली बनती किस चीज से है? हमारी संसद होती है प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। साथियों जो भारत की संसद के अंदर राज्यसभा वाला हिस्सा है उस राज्यसभा के अंदर रूल्स चलते हैं, राज्यसभा के अपने रूल होते हैं, है ना, इसी के साथ साथ लोकसभा के अपने रूल होते हैं जो रूल बुक में लिखे होते हैं। और इस रूल बुक के अंदर जो रूल बुक का मास्टर होता है, लीडर होता है,
जो असभापति होता है, जैसे मान लीजिए कि राज्यसभा के सभापति को ही आप चेयरमैन के नाम से जानते हैं, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति को अपनी रूल बुक में से रूल नंबर 255 और रूल नंबर 266 को एक्टिवेट करने की परमिशन होती है। अगर कोई भी सांसद इस प्रकार से नाचता हुआ दिखता है तो इस नाचते हुए सांसद को अगर चाहे सभापति या स्पीकर तो वो एक दिन के लिए निलंबित कर सकता है, वन डे के लिए निलंबित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, यानी कि यहां से निकाल करके बाहर भेज सकता है। दिस इज नॉन एज रूल नंबर 255। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा रूल नंबर 255 क्या है, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी सांसद को एक दिन के लिए राज्यसभा से, ये किसके अंदर लागू होते हैं ये वाले रूल, राज्यसभा के अंदर अगर किसी सांसद को एक दिन के लिए निलंबित किया जाए तो यहां पर इसे क्या कहा जाता है, 255। रूल नंबर 266 है जब सांसदों को पूरे सेशन के लिए निलंबित कर दिया जाए, तो यह भी राज्यसभा का नियम नंबर 256 है। याद रखिएगा यह आर्टिकल नहीं है, यह नियम है, ठीक है ना। जैसे स्कूल के अंदर अपने नियम होते हैं कि आपको क्लास में टाइम से पहुंचना है, हंगामा नहीं करना है, अदरवाइज पनिशमेंट दे दिया जाएगा, वैसे ही इस हाउस के अंदर अपने नियम है। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होंगी। आप पूछ रहे हैं कि सर राज्यसभा का तो पता चल गया, फिर क्या ऐसे ही लोकसभा के अंदर होता है? जी हां, लोकसभा के अंदर रूल नंबर 373 और रूल नंबर 374 ये लोकसभा के अंदर सेम बात करते हैं जो कि बात राज्यसभा के अंदर रूल 255 और 256 ने की है। कहने का मतलब यह हुआ कि रूल नंबर 373 ऑफ लोकसभा, अगर कोई व्यक्ति लोकसभा में कोई भी ऐसी व्यवहारिक घटना करते हुए पाया गया तो उसे एक दिन के लिए सस्पेंड 373 के तहत किया जाएगा और पूरे सेशन के लिए सस्पेंड 374 के तहत किया जाएगा। अगेन याद रखिएगा ये लोकसभा के रूल है, नथिंग एल्स, ये कोई आर्टिकल वार्टिकल नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोगों को अब ये बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी इन रूल्स को एक्टिवेट करते हुए। यानी कि अगर एक सिंपल सा सवाल पूछा जाए कि हाल ही के अंदर राज्यसभा के 12 सांसदों को किस रूल के तहत सस्पेंड किया गया, तो आंसर बन के आता है रूल नंबर 256 के तहत सस्पेंड किया गया। बस ये आपको आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। एक दिन का सस्पेंशन अगर राज्यसभा से है तो 255 जो है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को अब ये प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। ये सबकी सबके नाम है जिनको अभी 12 की 12 को सस्पेंड किया गया है, ये सेशन शुरू होने से पहले ही इनके बारे में न्यूज आ गई थी। उम्मीद है आपको प्रॉपर तरीके से ये तथ्य भी क्लियर हो गया होगा। अब आपके लिए एक छोटा सा प्रयास जो आपको करना चाहिए अपने लिए, क्वेश्चन आंसर जल्दी से लिखिए, लिखिए भारत में जो संसदीय व्यवस्था है उसके आर्टिकल कहां से शुरू होते हैं। ये आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल की जल्दी ही मैं क्लास लगाने वाला हूं आपको रिवाइज कराने के लिए, लेकिन आप तब तक, क्योंकि अभी तो याद है ना आपको अपनी स्पेशल क्लास में आज नॉर्थ अमेरिका और जो बाकी कॉन्टिनेंट्स हमने पढ़ाए हैं उनका एक ओरल टेस्ट, यानी आपसे पूछूंगा आप जवाब दीजिए, उस तरह से आज का सेशन होने वाला है। नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल मैप 11:15 फ्री क्लास में डिस्कस होगा जो कि अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर होगी। अगर आप नए हैं तो मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज करके उस क्लास में पहुंच सकते हैं। हाँ भाई, तो पहले तो आप ये देखिएगा कि भारत के अंदर संसद की व्यवस्था कौन से आर्टिकल्स में दी गई है। नंबर एक, भारत के अंदर, अब देखिए छोटे छोटे से प्रश्न यहां पर जल्दी जल्दी जो रिवाइज किए जा सकते हैं वो कौन कौन से हैं। राज्यसभा के अंदर मनोनीत सांसदों की संख्या कितनी होती है, नॉमिनेटेड सांसदों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, नंबर एक। नंबर दूसरा, लोकसभा के अंदर जो राज्यसभा का जो सबसे प्यारा सवाल बनता है, क्योंकि ये न्यूज राज्यसभा से संबंधित है, सबसे प्यारा सवाल क्या बनता है कि राज्यसभा के अंदर हर समय एक तिहाई सदस्य जो है ना वो इसके रिटायर होते रहते हैं, है ना, तो एक तिहाई सदस्य कितने साल में रिटायर्ड होते हैं, ये बहुत प्यारा सवाल है। दूसरा सवाल, राज्यसभा के सांसदों का कार्यकाल तो 6 साल का होता है, राज्यसभा का जो स्पीकर होता है दैट इज उपराष्ट्रपति, उसका कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का। तो ये सब चीजें ऐसी है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाए तो क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का कार्यभार भी संभालेगा, ये सवाल आपको सोचना है, बहुत ही प्यारा सवाल है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ रहा हो। राज्यसभा के अंदर कौन सी ऐसी पावर है जो उसे लोकसभा से ज्यादा ताकतवर बनाती है, बहुत ही शानदार सवाल है।
ऑल इंडिया सर्विसेज का निर्माण करना इसका एक उदाहरण है, बाकी दूसरा उदाहरण कौन सा है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, ये बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक इसी प्रकार से वो कौन सी जगह है जहां राज्यसभा केवल दिखावे की रह जाती है, वहां पर लोकसभा सर्वोपरि हो जाती है, ये सवाल आपको वहां पर ढूंढ लेना चाहिए। राज्यसभा के लिए अगर उम्र का क्राइटेरिया, लोकसभा के लिए अगर उम्र का क्राइटेरिया सांसद के चुनाव में 25 साल है तो राज्यसभा के लिए कितना है, यह आपको तुरंत गूगल करके याद कर लेना चाहिए। यानी कि यह कुछ छोटे छोटे प्रश्न ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए। राज्यसभा के पहले स्पीकर, या फिर उल्टा पूछ लिया जाए कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति का नाम बताइए, तो यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जिनसे आपको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर रिवीजन टाइम टू टाइम हो जाता है। उम्मीद है आप इस पूरे काम को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है ना, तो आप अच्छे से कर पाएंगे, क्लियर है ये? हाँ जी, तो ये मैंने आपको कुछ ऐसी बातें बता दी। बिल्कुल, अखिल भारतीय सेवाएं हो गई, धन विधेयक मानसून सत्र का हो गया, 30 साल यहां का हो गया, बहुत ही शानदार बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये एक विद्यार्थी ने पांचों आंसर एक साथ दे दिए हैं। हाँ, लेफ्टिनेंट विकास, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, क्लियर। ये चीजें जो है ना, बस ये फटाफट अपने लिए साइड में लिख करके रख लिया करिए, है ना। तो इससे होगा क्या कि ये वो सवाल है जिससे कि आपकी खुद की पढ़ाई हो सके। हुआ ये कि मैं बहुत दिन से इस चीज को लेके परेशान था कि मेरे शुरुआती जो पांच सवाल होते हैं ये प्रॉपर एनालिटिकल सवाल होते हैं, इससे आंसर राइटिंग के लिए तो मिल जाता है। बच्चों की एक जो चीज मैंने देखी कि इनको पढ़ने के लिए मैंने क्या दिया, सब कुछ तो मैंने करके दे दिया। तो बच्चे का खुद का पढ़ना भी जरूरी होता है, ये पीयर लर्निंग है। मतलब हम लोग ऑनलाइन को कैसे इंटरेक्टिव बनाएं, इंटरेक्टिव से मतलब है कि आपकी क्लास क्लास कैसे रहे। सब कुछ मैंने ही पढ़ा दिया, ये तो बिल्कुल वैसा हो गया ना जैसे न्यूज ही सुन लेते, इससे अच्छा तो आप न्यूज चैनल्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि हम पढ़ रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, तो हम पढ़ते समय क्या चीज अलग कर सकते हैं, तो हम क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके लिए काम दे दिया है। ठीक है, चलिए, आर्टिकल्स अभिनव गुप्ता बिल्कुल पढ़ाऊंगा बेटा, फ्री स्पेशल क्लास में मैं लेके आऊंगा, चिंता मत करिए। ठीक है, रंजन की यह पीडीएफ आपको आसानी से क्लास खत्म होने के बाद में मिल जाती है, तो पीडीएफ की किसी भी प्रकार की चिंता आप ना करें। चर्चा करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। तो स्टैटिक जीके जो कि एसएससी में मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी होती है, यहाँ इंडियन पॉलिटी शुरू होने जा रही है इस बुधवार से, यानी कि ये जो अभी कमिंग जो वेडनेसडे आ रहा है इससे। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी हमारे इस बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो वो सब्सक्रिप्शन इंडियन पॉलिटी के हिसाब से ना लेते हुए ये समझ के ले कि उसको मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमी सब मिलने वाली है, साथ में जो मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश की क्लासेस हैं वो भी एक ही सब्सक्रिप्शन में उसे प्राप्त हो जाती हैं। तो यूज माय रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल माय न्यू बैच ऑफ इंडियन पॉलिटी, जिसमें हम एकदम फाउंडेशन लेवल से आपको सिखाएंगे इंडियन पॉलिटी के सारे इफ एंड बट्स, छोटी छोटी बातें आपको महत्वपूर्ण रूप से सिखाई जाएंगी। हमारे द्वारा रोजाना सुबह 11:15 बजे आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास ली जाती है अन अकेडमी पर, आप उसमें हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आज की स्पेशल क्लास में जो कि 11:15 पर है, आप लोगों के साथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट महाद्वीप डिस्कस किया जाएगा, चर्चा करेंगे महाद्वीप के बारे में, अफ्रीका के बारे में, क्या है अफ्रीका की स्टोरी, क्या है अफ्रीका की पॉलिटिकल मैप की जानकारी, क्या है उसकी फिजिकल मैप की जानकारी, तमाम बातें आज के सेशन में आपको बताई जाएंगी। क्लास समाप्त होने पर आपको इस रेफरल कोड, इस जगह पर आपको हमारी क्लास की पीडीएफ भी प्राप्त हो जाती है। या विद्यार्थी अन अकेडमी पर मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहता है तो अन अकेडमी पर मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके 10% डिस्काउंट प्राप्त करके वो पढ़ सकता है। यदि आप अन अकेडमी पर पढ़ते हैं तो आपको अन अकेडमी के जितने भी एडुकेटर्स हैं उन सबके लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, उनके डाउट सेशंस, ये सब प्राप्त होते हैं। किसी भी एडुकेटर की क्लासेस आप एक बार उस कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेने के बाद देख सकते हैं, पूरी तरह से लाइव जितनी भी क्लासेस हैं वो देख सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं, टेस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, पूरी तरह से गाइडेंस आप यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको यहां पर उपलब्ध होती हैं। करना क्या होता है, गूगल प्ले स्टोर से अन अकेडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिए, वहां से आप जिस भी कैटेगरी में चाहे, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, उस कैटेगरी में अपना कोर्स सेलेक्ट करिए। जो कोर्स आपको सेलेक्ट करना है उसे रेफरल कोड अंकित10 के साथ में प्राइस देने से पहले ट्रीट करिए, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट उसके अंदर इमीडिएटली प्राप्त हो जाए। उसके बाद में पेमेंट करिए और क्लासेस पढ़ना शुरू करिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित